रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी सेल? जो सी सेल था, समुद्री शंख था, वो चाइल्ड को कहाँ मिला था? फाइनली मिलना, तो आंसर है द चाइल्ड फाइंड द सी सेल ऑन द सैंड, यानी मिट्टी पे पड़ा हुआ मिला था या रेत पे पड़ा हुआ मिला था समुद्र के किनारे। सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट डिड द चाइल्ड डू विद द सेल? उसने सेल के साथ क्या किया, उसने जब उठाया तो उसके साथ उसने क्या किया? तो आंसर है द चाइल्ड टुक द सेल टू हिज होम, वो अपने घर पे ले गया उसको उठा के। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चाइल्ड हर, कि उसने क्या सुना? तो चाइल्ड ने, द चाइल्ड हैड ए स्वीट क्लीन सॉन्ग फ्रॉम द सेल, कि सेल के साथ, शंख के साथ उसने स्वीट क्लीन सॉन्ग सुना था। उसके बाद है वर्ल्ड बिल्डिंग्स। वर्ल्ड बिल्डिंग्स में है, पिक द रैमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस बॉक्स एंड पेयर देम इन द स्पेसेस बिलो, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको इसमें से रैमिंग वर्ड्स करने हैं, पेयर करने हैं, यानी जोड़ बनानी है, जिन्होंने एक उन्होंने करके दिया है। जैसे फाउंड का सेंड करके दिया है, यहाँ पे फाउंड का सेंड करके दिया है, वैसे आपको यहाँ पे करना है। कॉल्ड का हो जाएगा बॉल्ड, ठीक है, यहाँ पे मैं किया हुआ कॉल्ड का बॉल्ड। उसके बाद टुक का लुक हो जाएगा, टुक का लुक। सैंड का हैंड हो जाएगा, रैमिंग वर्ड्स। मम्मी का टमी हो जाएगा, ये रैमिंग्स वर्ड यहाँ पे करके दिए। उसके बाद सेकंड है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट वर्ड्स चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। अब आपको इसमें से, ये बॉक्स दे रखा है, उसमें से चॉइस करके आपको अपोजिट वर्ड्स करने हैं। जैसे एक यहाँ पे करके दिया है फाउंड का लॉस्ट करके दिया है, तो यहाँ पे हार्ड का क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ सॉफ्ट। इनसाइड का आउटसाइड, टुक का गेव, बिग का स्मॉल, कैम का वेंट, ये वेंट है वो हो जाएगा। उसके बाद आगे है पिक, पिक का हो जाएगा, ये यहाँ पे सब लिखा हुआ है, इस बॉक्स में से ही लिखा है यहाँ पे। पिक का हो जाएगा ड्रॉप, पिक का हो जाएगा ड्रॉप। ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, कर्ली का हो जाएगा स्ट्रेट, कोल्ड का हो जाएगा हॉट, और स्वीट का हो जाएगा बिटर, टॉल का हो जाएगा शॉर्ट, ठीक है, ये आपके अपोजिट वर्ड्स हो गए। उसके बाद है लेट्स राइट, ये आपको गाना है, द सी इज बिग, यानी सी इज बिग, समुद्र बहुत बड़ा है। द सी इज बिग, समुद्र बहुत बड़ा है। इट इज़ वेरी वेरी बिग, बहुत 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 बड़ा है। यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी, कैन नॉट सी यानी आप नहीं देख सकते, अदर साइड यानी दूसरी साइड, सी यानी समुद्र के दूसरे किनारे आप नहीं देख सकते। यू कैन क्रॉस द सी इन ए शिप, आप उसको क्रॉस कर सकते हो, उस समुद्र को क्रॉस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, शिप में बैठ करके जा सकते हो। बट यू मोस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज, पर आप शिप में बैठ के जाओगे तो बहुत ही दिन लगेंगे आपको दूसरे छोर पर पहुंचने में। उसके बाद ये इस पैराग्राफ में से आपको चूज करके यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करना है, कि द सी इज वेरी वेरी क्या था, बिग था कि फार था, तो बिग था, बहुत बड़ा था समुद्र। यू कैन नॉट हेयर सी द अदर साइड, कि आप क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट सी, हम देख नहीं सकते, इसलिए सी आएगा। थर्ड है यू कैन या कैन नॉट क्रॉस द सी, कि हम क्या क्रॉस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कैन नॉट, हम क्रॉस नहीं कर सकते। फिर यू कैन क्रॉस इट इन ए, मतलब क्रॉस हम कर सकते हैं, पर किस से कर सकते हैं, बस से कर सकते हैं या शिप से कर सकते हैं, तो शिप से कर सकते हैं, तो यहाँ पे शिप फिल किया। उसके बाद है से अलाउड, से अलाउड, सी सेल्स ऑन द सी शोर,
ये आपको गाना है, ठीक है। से अलाउड, जोर जोर से बोलना है। उसके बाद है रीड द फ्लोइंग साइलेंस। बर्ड्स सिंग, बर्ड्स क्या करते हैं, सिंग करते हैं। फोन्स क्या करते हैं, रिंग रिंग बजती है, साउंड बता रहे हैं। पीपल क्या करता है, टॉक करता है। डॉग्स क्या करता है, ब्रेक करता है। काउस क्या करती है, मू 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 करती है। कुक्स क्या करते हैं, तो क्रो करते हैं, क्रो 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 करते हैं। बीज क्या करते हैं, बीज करते हैं। फिर चिल्ड्रन क्या करते हैं, हर्ष करते हैं, ठीक है। उसके बाद इस साउंड से आपको यहाँ पे पिक्चर दे के रखी है उसमें मैच करना है। जैसे बर्ड्स क्या करते हैं, तो सिंगिंग करते हैं, तो यहाँ पे बर्ड्स मिलाया। फिर काऊ क्या करते हैं, मूविंग करते हैं, तो ये काऊ से मिला दो। फोन क्या करती है, रिंग, तो यहाँ फोन से मिला दो। डॉग क्या करते हैं, बार्किंग, तो ये डॉग यहाँ है, तो यहाँ से मिला दो। फिर कुक क्या करते हैं, तो क्रोइंग करते हैं, तो ये कॉक है वो, उसको यहाँ से मिला दो। ओके, ये हो गए क्वेश्चन आंसर आपके पूरे।